नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमर क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर के अध्याय 10 के बारे में, जिसका नाम है फलोत्पादन। काफ़ी बड़ा और काफ़ी टफ चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए। विद्यार्थियों को समझ नहीं आता कि इस चैप्टर को किस तरह से याद करें, इतना कठिन ये चैप्टर है। तो मैंने इस वीडियो में इसको बिल्कुल ही सिंपली तरीके से जज किया है और ऐसे आपको विस्तृत रूप से ये मिलेगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा और आप पूरा भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम में कौन कौन से फल पूछे जाएंगे और कौन कौन से फलों से कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे। ये चीज़ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी चैप्टर के बारे में। तो अगर हम फलों की बात करें तो एक आम, केला, पपीता, नींबू, संतरा, अमरूद, अनार, खजूर, बेर, आंवला, अंगूर और बेल, ये सारे फल हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब इनमें से कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे, एक तो पूछेगा वानस्पतिक नाम, कुल और उत्पत्ति, यानी वानस्पतिक वर्गीकरण पूछेगा आपसे, जिसमें वानस्पतिक नाम, कुल और उत्पत्ति पूछेगा। दूसरा आपसे पूछेगा फल प्रकार एवं खाने योग्य भाग। तीसरा आपसे पूछेगा जलवायु एवं मृदा। चौथा आपसे पूछेगा प्रवर्धन एवं उन्नत किस्म। पाँचवा आपसे पूछेगा गड्ढे तैयार करना एवं पौधरोपण। छठवां वो आपसे पूछेगा खाद एवं उर्वरक, जो काफ़ी टफ है, खाद एवं उर्वरक। सातवां आपसे पूछेगा सिंचाई, ये सिंपल है। आठवां रोग व कीट, ये भी काफ़ी टफ है, लेकिन मैंने यहाँ बिल्कुल सरल बना दिया है आपके लिए। नौवीं अगर हम पॉइंट की बात करें, सदाई व कटाई छटाई। और दसवां जो पॉइंट है, तुड़ाई व उपज। ये सारे पॉइंट आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी एग्रीकल्चर का। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से आप इस चैप्टर को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो सारणी बनाई है, इस सारणी को आप लोग याद कर लेना अच्छी तरह से। जैसे मैंने यहाँ ये सारणी बनाई है तो आप वीडियो को पुश कर दें, रोक दें और इसको अपनी कॉपी या जो भी आपकी रफ हो उसमें लिख करके इसको पूरी तरह से याद कर लें। जैसे इसमें कई चीज़ें हैं, फल है, उसका वानस्पतिक नाम है, कुल है, उत्पत्ति है और फल प्रकार है, यानी जो मेनली ऐसी चीज़ है जिसकी थ्योरी हमें याद नहीं करनी, जो हमें रटना है, वो चीज़ें मैंने इस पीडीएफ में दे दी हैं। जैसे आम की बात करें, मेंजीफेरेंड का कुल कौन सा है, एनाकार्डियेसी, उत्पत्ति के भारत और बर्मा, फल प्रकार क्या है, ड्रफ या अष्टिल। देखो, फल प्रकार मैं एक आपको बता देता हूँ, जिन फलों के अंदर गुठली पाई जाती है वो फल ड्रप या अष्टिल कहलाते हैं। जैसे तो आम हो गया, एक हम बेर की बात करें, अब बेर का फल प्रकार क्या है, ड्रप या अष्टिल, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, गुठली पाई जाती है। आगे हम बात करें खजूर के अंदर क्या पाई जाती है, गुठली पाई जाती है, तो इसका भी फल प्रकार क्या है, ड्रप या अष्टिल। बाकी जो सारे फल हैं वो सरस या बेरी के अंदर आते हैं, केवल अनार को छोड़ के, अनार का ब्लास्टा होता है, और नींबू और संतरा को छोड़ के, इन दोनों का हेस्पेरिडियस होता है, बाकी सभी का क्या होता है, सरस या बेरी। और जिनके अंदर गुठली पाई जाती है उनका क्या होता है, ड्रप या अष्टिल। ये पूरी सारणी आप कॉपी पर लिख करके याद कर सकती हो या हमारी पीडीएफ को आप ले सकते हो, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये आपको पूरी याद करनी है। अब आगे सारे पॉइंटों की अगर हम बात करें तो कोई सा भी पॉइंट आपको रटना नहीं है। जैसे एक पॉइंट आता है जलवायु एवं मृदा। अब जलवायु एवं मृदा में आपसे पूछेगा, कोई सी भी फल दे देगा, उसकी जलवायु और मृदा लिखने को कहेगा। तो जलवायु तीन तरह की होती है, एक उष्ण, एक उपोष्ण, एक शीतोष्ण। हमारी किताब में शीतोष्ण जलवायु का कोई भी फल नहीं है हमारे सिलेबस में, तो शीतोष्ण को तो आप छोड़ दो, केवल उष्ण और उपोष्ण जलवायु याद रख लो। उष्ण जलवायु में कौन कौन से फल आते हैं, आम, केला, पपीता, अमरूद। और उपोष्ण में कौन से आते हैं, बेर, अंगूर, खजूर, अनार, नींबू, संतरा। दूसरी चीज़ आप याद रख लो कि उष्ण जलवायु में तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, और उपोष्ण में कितना है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये आपको मैंने जैसे आम की जलवायु लिखी है यहाँ, इस तरह से किसी भी फल की आपको जलवायु लिखनी है। जैसे किस तरह से आम उष्ण जलवायु का पादप है, अब ये उष्ण का है तो मैंने उष्ण लिख दिया, अगर बेर होता तो मैं यहाँ लिख देता बेर उपोष्ण जलवायु का पादप है। इसकी उचित वृद्धि एवं विकास के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित माना गया है। अब यहाँ मैंने कितना लिखा है, 30 डिग्री सेल्सियस, अगर उपोष्ण वाले में से कोई फल होता तो मैं लिख देता 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अधिक वर्षा इनके लिए हानिकारक होती है, आपको समान लिखना सभी में। आम के बगीचे लगाने के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त समतल एवं बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है।
मृदा में 2 मीटर गहराई तक कोई भी कठोर परत नहीं होनी चाहिए। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ जलवायु यानी यहाँ जो जलवायु दे रखी है इसके अलावा और तापमान के अलावा। जैसे मान लो आपसे बेर कह दिया तो आप यहाँ क्या कर दोगे, उपोष्ण कर दोगे, तापमान कितना कर दोगे, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से नींबू कह दिया तो नींबू के लिए आप चेंज कर दोगे। अमरूद पपीता कहा तो आपको कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं करनी है। ये सारा पॉइंट आपको लिखना है, केवल ये 5 लाइन याद कर लो। सभी आपको फलों की जलवायु और मृदा याद हो गई, वसरते हैं आपको उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गए जलवायु और मृदा। आगे अपन बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आता है प्रवर्धन। प्रवर्धन में 1 नंबर का या आधे नंबर का आपसे पॉइंट पूछा जाएगा। वो फल का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस फल में कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन होता है। तो मैंने यहाँ सारणी दी है, ये सारणी बनी हुई है। इस सारणी को आप कॉपी में उतार के या कैसे भी याद कर सकते हो। जैसे आम का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, विनियर ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग के द्वारा। नींबू का किसके द्वारा होता है, बीज और गूंठीदार। संतरा, बेर और आंवला का कलकायन के द्वारा होता है। अंगूर और अनार का कलम के द्वारा होता है। खजूर का ऑफशूट के द्वारा होता है। केला का स्वाड सकर्स के द्वारा होता है। अमरूद का बीज और ढेरीदाब द्वारा होता है। पपीता का बीज द्वारा होता है। बेलपत्र का बीज द्वारा होता है। ये चीज़ आप केवल याद कर लो, इसमें आपको थ्योरी नहीं पूछेगा, ना ही आपको थ्योरी लिखनी है, केवल विधि का नाम आपको लिखना होता है। आगे हम बात करें अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है पौधे लगाने की विधि। जब भी आपसे फल में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पौधे लगाने की विधि वो 100% पूछेगा। तो सभी फलों में आपको यही लिखना है जो मैंने यहाँ लिखाया है कॉमन। ये मैंने इस तरह से तैयार किया है कि इसको आप किसी भी फल में लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखा है, फलदार पादपों का रोपण जुलाई अगस्त माह में किया जाता है। पौधरोपण से 1 माह पूर्व निश्चित दूरी पर उचित आकार के गड्ढे खोदते हैं। यानी फलदार पादपों का रोपण कब करते हैं, जुलाई अगस्त माह में। और पौधों को रोपण करने से 1 महीने पहले क्या करते हैं, उचित आकार के गड्ढे खोदते हैं तथा कुछ दिन धूप में खुला छोड़ देते हैं। यानी गड्ढों को कुछ दिन धूप में खुला छोड़ देते हैं। इन गड्ढों को सड़ी गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट एवं उर्वरक मिलाकर ऊपर तक भर देते हैं। अब गड्ढे खुले छोड़े, उसके बाद सड़ी गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट और अन्य उर्वरक मिलाकर के गड्ढों को भर देते हैं। इसके बाद दीमक के प्रकोप वाले स्थानों पर गड्ढा भरते समय क्यूनाल फॉस चूर्ण मिला देते हैं। अगर उस स्थान पर दीमक है तो दीमक के प्रकोप वाले स्थानों पर क्या मिला देते हैं, क्यूनाल फॉस मिला देते हैं। इसके पश्चात सायंकाल में पौधरोपण करते हैं। अब ये सब प्रक्रिया करने के पश्चात सायंकाल में क्या कर देते हैं, यानी शाम के समय पौधरोपण करते हैं और जिन स्थानों पर पौधे सूख जाते हैं उनकी जगह पुनः रोपण किया जाता है। किसी भी फल में, आपके सिलेबस में 12 फल हैं, 12 फल में से किसी भी फल में पौध लगाने की विधि या गड्ढे तैयार करने की विधि पूछे तो आपको यही प्रोसेस पूरी लिखनी है, कोई अलग से याद नहीं करना है। आगे हम सिंचाई की बात करें, इसी तरह से आपको सिंचाई वाला पॉइंट पूछा जाएगा। तो सिंचाई की बात करें तो फल वृक्षों में वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिन पश्चात तथा सर्दियों में 10 से 12 दिन पश्चात सिंचाई करते हैं। फल वृक्षों में सिंचाई ड्रिप विधि द्वारा उत्तम मानी जाती है। ये पॉइंट आपको सिंचाई में लिखना है। वैसे वो सिंचाई पूछता नहीं है, अगर पूछ भी ले तो केवल ये चीज़ आपको लिखनी है कि वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिन पश्चात तथा सर्दियों में 10 से 12 दिन पश्चात सिंचाई करते हैं और फल वृक्षों में सिंचाई की जो उत्तम विधि है वो ड्रिप विधि है। ये चीज़ आपको लिखनी है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लें। आगे हम बात करें खाद एवं उर्वरक, ये सबसे मोस्ट पॉइंट है। जब भी आपसे कोई भी फल पूछा जाएगा तो खाद और उर्वरक 100% आपसे पूछेगा। मैंने जो ये सारणी बनाई है, ये सारणी आपको बनानी है, इस सारणी को बनाना सीख लो आप। सारे ही फलों में बनानी है, किसी भी फल में खाद और उर्वरक आपसे पूछे। ऐसा नहीं है कि आम के लिए अलग बनाओ, पपीता के लिए अलग बनाओ। मैंने ये कॉमन सारणी बनाई है जो सभी फसलों में काम आएगी। जैसे यहाँ एक कॉलम है खाद एवं उर्वरक, एक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष और इससे अधिक समय। जैसे हम गोबर खाद की बात करें, पहली वर्ष में कितना देते हैं, 10 किलो, दूसरी वर्ष में 20 किलो, तीसरी वर्ष में 30 किलो, 40 किलो और 50 किलो, मैं बढ़ाता गया 10 के बाद। SSP की बात करें, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1000 ग्राम, 1250 ग्राम, यानी 250 के अनुपात में मैंने ये बढ़ाई। MOP की बात करें तो पहले साल देते नहीं है, दूसरे साल 50 ग्राम, तीसरे साल 100 ग्राम, फिर 150 ग्राम, फिर 200 ग्राम। इसी तरह से यूरिया की अगर हम बात करें तो 50, 100, 150, 200 और 250, यहाँ 50 का गुणज है दोनों में।
यूरिया में और MOP में। तो इस सारणी को आप बनाना आसानी से सीख सकते हो। सारणी बनाने के बाद आपको दो लाइन और लिखनी है, वो कौन सी है? आपको लिखना है नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं शेष सभी उर्वरक फूल आने से पहले पेड़ के चारों तरफ नाली बनाकर देते हैं, यानी नाइट्रोजन की आधी मात्रा और जो भी सारे उर्वरक हैं वो फूल आने से पहले नाली बनाकर देते हैं, तथा शेष बची हुई नाइट्रोजन को सिंचाई जल के साथ दो भागों में बांटकर दिया जाता है, यानी जो नाइट्रोजन शेष बचेगी उसको दो बराबर भागों में बांटकर सिंचाई जल के साथ या ड्रिप इरीगेशन हम करते हैं। तो ये हो गया खाद और उर्वरक। ऐसा नहीं है आपको 12 फसलों में 12 तरह की सारणी बनानी है, एक ही सारणी बनानी है आपको, एक ही तरह से सारी ही फसलों में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे केवल एक ही फसल पूछी जाएगी। आगे अपन बात करें, अगला पॉइंट है संदाई एवं कटाई छटाई। अगर हम संदाई और कटाई छटाई की बात करें तो ये भी आपसे पूछा जाता है। जैसे संदाई की बात करें, संदाई क्या होती है? छोटी अवस्था में पादपों को उचित आकार देना। और कटाई छटाई क्या होती है? अनुपयोगी शाखाओं को काटना। संदाई और कटाई छटाई में आपको किस तरह से लिखना है वो समझ लो। छोटी अवस्था में पेड़ को उचित आकार देने के लिए संदाई की क्रिया की जाती है। तने से 4-5 शाखाओं को छोड़कर शेष सभी शाखाओं को काट देते हैं। जो शाखाएं कमज़ोर होती हैं तथा एक दूसरे को पार करती हैं ऐसी शाखाओं को काट देते हैं। पहली शाखा जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं। जो शाखाएं रोगग्रस्त होती हैं उन्हें काट दिया जाता है। देखो, आपको सारी ही फसलों में सेम तरीके से लिखना है। कोई सी भी फसल आपसे पूछे, जैसे छोटी अवस्था में उचित आकार देने के लिए क्या करते हैं? संदाई की क्रिया करते हैं। तने से 4-5 शाखाओं को छोड़कर शेष सभी शाखाओं को काट देते हैं। जो शाखाएं कमज़ोर होती हैं तथा एक दूसरे को पार करती हैं ऐसी शाखाओं को काट देते हैं। और पहली शाखा जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं। जो शाखाएं रोगग्रस्त होती हैं उन्हें काट दिया जाता है। किसी भी फसल में आपको संदाई एवं कटाई छटाई पूछी जाए, आपको केवल यही कटाई छटाई की लाइन लिखनी है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे अपन बात करें, सबसे मोस्ट चीज़ है रोग और कीट। सबसे बड़ी चीज़, सबसे मुश्किल चीज़ है रोग और कीट। अब रोग और कीट में आपको क्या करना है, फसल में जो मैंने सारणी दे रखी है रोग और कीटों के नाम आपको याद करने हैं, हल्के से, ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो रोग के और एक एक दो दो कीट के नाम आप याद कर लो। और एक एक दो दो कीट के नाम जब आप याद कर लोगे तो फिर आपने जो रोग और कीट नियंत्रण पढ़ाया, जैसे बायोलॉजी में हमने रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण पढ़ाया है पिछली क्लासों में, उन क्लासों में से आप रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण को लिख करके सारी चीज़ों को इनको लिख सकते हो। तो जो ये सारणी दे रखी है ये सारणी आप याद कर लेना, जिसमें से आपको दो दो रोग और दो दो कीट आपको याद करने हैं। और लिखना क्या है लास्ट में ये समझ लो। जैसे पौध संरक्षण का आपसे पॉइंट पूछा जाएगा, मान लो उसने पूछ लिया आम में पौध संरक्षण को समझाइए, तो किस तरह से आपको भाषा लिखनी है वो ये देख लो। जैसे आम के वृक्षों में चूड़ी फफूंद एंथ्रेक्नोज तथा काला धब्बा रोगों का प्रकोप होता है। इसके साथ आम में मिलीबग एवं छाल बच्चक एवं फल मक्खी कीट भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये तो आम की हो गई। अगर मान लो बेर की लिखता तो यहाँ बेर के रोग हो जाते और बेर के कीट हो जाते। इसी तरह से आपको सारी फसलों में लिखना है और बाकी सारी जो प्रक्रिया है वो एक तरह लिखनी है, सभी में समान। जैसे आगे की प्रक्रिया क्या है, रोगों के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एवं अन्य कवकनाशी दवाओं का छिड़काव करते हैं, सभी में समान लिखनी है। तथा कीट नियंत्रण हेतु कीटनाशी दवा जैसे इमिडाक्लोरपीड, डाइमेथोएट एवं मेलाथियन पाउडर का छिड़काव करते हैं, ये भी सभी में समान लिखनी है। आवश्यकता होने पर द्वारा छिड़काव किया जा सकता है, ये भी सभी में समान लिखनी है। उपयुक्त दवाओं का 500 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समान तरीके से लिखनी है। केवल रोग और कीट का नाम याद रख लो और वो नाम आपको जो मैंने लाल लाल जगह दे रखी है यहाँ भरने हैं, केवल बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। जैसे अलग अलग फलों में अलग अलग रोग हैं, अलग अलग कीट हैं, तो वो अलग अलग वाले आपको इसे लाल लाल जगह के स्थान पर भरनी है। जैसे मैंने आम के भरे हैं, आपको दूसरी फसल के जो पूछे जाते हैं वो भरनी है, बाकी सारी चीज़ यहाँ सेम है। तो मुझे लगता है यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। आगे जो अलग अलग पॉइंट है, एकांतर फलन और उसका नियंत्रण, और एक पॉइंट है आपका पपेन वाला, तो ये मैंने सारणी में कंबाइन कर दिए। तो जब आप PDF देखोगे तो PDF में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताना। और अगर आपको PDF लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।